अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नज़र। कल तूफानी बारिश ने एक बार फिर बेलगाम स्मार्ट सिटी के चेहरे को बेनकाब किया। शहर के मुख्तलिफ जगहों पर दरख्त के गिरने की वारदात मुसलसल पेश आती रही। बेलगाम शहर और अतराफ में तूफानी हवाओं से बिजली के खंभे और बिजली के तार टूटने की वारदात पेश आई। मच्छे की महज 13 साल की लड़की मथुरा मोरे बिजली के तार को छूने से मौत हो गई। बिजली के तार टूट कर गिर गई, जिसे मथुरा मोरे ने छू लिया और वहीं पर उसकी मौत हो गई। बेलगाम शहर के करीब मारेहाड़ में आपसी रंजिशों के चलते महंतेश रुद्रप्पा करलिंगनवर उम्र 23 का कत्ल 4-5 लोगों ने करने की बात सामने आई। कत्ल की असल वजह की खोज पुलिस कर रही है। रियासत में कई जगहों पर तूफानी बारिश के मंजर देखने को मिल रहे हैं। बेंगलोर में भी इसी तरह अचानक बारिश होने से केआर सर्कल के अंडरपास में कार पानी में फंसने से 22 साल लड़की की मौत हो गई। लिहाजा इसी के मद्देनजर आज वज़ीर-ए-आला सिद्धरामैया और नायब वज़ीर-ए-आला डी के शिवकुमार ने रियासत के तमाम जिले कलेक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जायजा लिया। बेलगाम शहर का भी जायजा लेते हुए डीसी नितेश पाटिल से आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शहर के हालात पर गुफ्तगू फरमाई और बाढ़ से मुतालिक तैयार रहने की हिदायत भी दी गई। किसी तरह की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई का भी इशारा वज़ीर-ए-आला और नायब वज़ीर-ए-आला की जानिब से दिया गया। तमाम कामयाबी एमएलए जुमेरात को वापस लौटेंगे। 3 दिन का सेशन जारी है और तमाम ने असेंबली में हलफ बरदारी तकरीब में हिस्सा लिया। सतीश जारकीवाल को वजारत से नवाजा गया तो बेलगाम नॉर्थ से आसिफ सेठ, बेलगाम ग्रामीण से लक्ष्मी हब्बाड़कर, अतिनी से लक्ष्मण सऊदी और बेलगाम साउथ से अभय पाटिल ने भी हलफ बरदारी तकरीब में हिस्सा लिया। To the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Lakshmi R. Hebbaldkar, emba hesarinavalada nanu vidhanasabhaya sadasyalagi nirvachana hondidavalagi vididvara sthapitavada bharatada samvidhanada vishayadalli shraddhayindalu nishtheyindalu koodiruttenendu ನಾನು ಭಾರತದ ಪರಮಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ನಾನು ಈಗ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವಣ್ಣನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಸತ್ಯನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ। आरबीआई की जानिब से 2000 के नोट को लेकर जो हुक्म जारी किया गया था, इस पर बैंकों में अमल करना शुरू किया गया। इत्तला के मुताबिक 30 सितंबर तक 2000 के नोट बदल दिए जाएंगे, सिर्फ 20,000 तक ही बदले जाएंगे, ऐसा भी कहा गया। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यह ऐलान किया। लिहाजा 4 महीने का तवील अरसा है, किसी तरह की भीड़ न करे, ऐसा भी उन्होंने बताया। 30 तारीख के बाद भी नोट का लीगल टेंडर जारी रहेगा, कहा गया। बेलगाम कपिलेश्वर मंदिर में छोटे बच्चे, नौजवान लड़का लड़कियों को अपनी दिफा की खातिर लठबाजी की तरबियती कैंप का एहतमाम किया जा रहा है। हिंदुस्तान शिव प्रतिष्ठान की जानिब से लठबाजी और अपने तहफ्फुज की खातिर तरबियती कैंप का एहतमाम किया जा रहा है। इस तरह के तरबियती कैंप शहर में मुख्तलिफ जगहों पर करने की इत्तला भी हासिल हुई है। अब कुछ और अहम खबरें। नया संसद भवन बनाया गया है, पर यह संसद भवन बहुत कुछ अंदेशों के साथ इसकी इफ्तिताह हो रही है, ऐसा भी कहा जा रहा है कि नई तानाशाही का आगाज करने की एक तरह से कोशिश है। लिहाजा संसद भवन यानी ऐवान पार्लियामेंट की इफ्तिताह मुल्क की सदर के हाथों इफ्तिताह होना चाहिए था, पर इसकी इफ्तिताह खुद वजीर आजम मोदी कर रहे हैं। लिहाजा इसे गलत कहते हुए कांग्रेस ने हुकुमशाही का आगाज कहा है। वैसे तो यह खबर पुरानी है, पर इसे बताना भी जरूरी, क्योंकि भारत में जब से भाजपा हुकूमत आई है मुस्लिम नामों को बदल दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मुगल आक्रांता थे और वो बाहर से आए हुए थे, जबकि हम सभी जानते हैं कि मुगल अखंड भारत का ही हिस्सा थे। खैर, अमेरिका के लुइसविले इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर मोहम्मद अली इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। मेयर ग्रेग फिशर ने यह फैसला 2019 में लिया था। मोहम्मद अली दुनिया के मशहूर बॉक्सर थे और उन्होंने ईसाई मजहब छोड़कर इस्लाम को कबूल किया था। अमेरिका, जिसकी तारीफ करते भारत के तमाम भक्त नहीं थकते, उन्हें इस पर अमल करना चाहिए। इस तरह की बात अवाम में कही जा रही है। हम रोजाना मीडिया, सोशल मीडिया पर देखते हैं कि इस्लाम मुसलमानों को जितना भी बदनाम करने का नैरेटिव चलाते रहते हैं, उसी तरह से फिल्में भी बनाई जाती रही है, लेकिन इस्लाम कबूल करने वालों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। जहां एक तरफ केरला स्टोरी को लेकर हंगामा किया जा रहा, वहीं फिल्म अदाकारा एक्ट्रेस संजना गरलानी ने अपने शोहर अजीज पाशा के साथ उमरा के फराइज को अंजाम दिया।
संजना अगरवालानी साउथ के मॉडल और हीरोइन रह चुकी है। वो प्रभास के साथ भी एक मूवी में काम कर चुकी है। आजकल सोशल मीडिया पर ये तस्वीर वायरल हो चुकी है। संजना अगरवालानी ने 2018 में इस्लाम कबूल किया था। उन्होंने अपना मजहब हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम में वो दाखिल हुई और अपना नाम माहिरा रखा था। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।